झारखंड की राजधानी और लगभग 1.5 करोड़ जनता का घर रांची शहर, लोकसभा के रन का केंद्र बिंदु, लेकिन सबसे जरूरी कि कौन होगा यहां का अगला सांसद। चलिए बताते हैं आपको झारखंड की सबसे हॉट सीट का क्या है सियासी समीकरण। नमस्कार, मैं हूँ यशस्वी सिंह और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। आगामी लोकसभा चुनाव में रांची सीट बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि यहाँ के डेमोग्राफिक्स में आपको विविधता देखने को मिलेगी। यहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों ही मिल जाते हैं। रांची की आबादी में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, आदिवासी सभी समुदाय के लोग हैं, इसलिए यहाँ की लोकसभा सीट भी अनरिजर्व्ड यानी कि सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2019 में यहाँ 19,15,959 वोटर्स थे, जिनमें से 10,03,106 पुरुष थे तो 9,12,800 महिलाएं, वहीं थर्ड जेंडर की संख्या सिर्फ 53 थी। रांची सीट में अक्सर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिलती है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी से संजय सेठ ने 57.21% वोट्स के साथ जीत दर्ज की थी, तो वहीं 34.3% वोट्स के साथ कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय को हार का स्वाद चखना पड़ा था। पर इस बार इंडी गठबंधन जीत के लिए पूरी कोशिश कर रही है। रांची सीट से इंडी गठबंधन ने यशस्विनी सहाय को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय की बेटी है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं फीमेल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यशस्विनी सहाय का खुद का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड सीधे तौर पर नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने लॉ में डिग्री जरूर हासिल की है और ह्यूमन राइट्स और महिला सशक्तिकरण जैसे सोशल मुद्दों पर लगातार काम करती रही हैं, पर राजनीति में वो एक बिल्कुल नया चेहरा है। यशस्विनी सहाय के जरिए कहीं ना कहीं यंग वोटर्स को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि यशस्विनी सहाय खुद भी यूथ है और युवाओं की परेशानियों को बेहतर समझ सकती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने सेफ गेम खेला है और एक बार फिर वर्तमान सांसद संजय सेठ को ही इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। संजय सेठ की बात करें तो वो पहले खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष थे, फिर 2019 में पहली बार की उम्मीदवारी में ही जनता का दिल जीता और बन गए रांची के सांसद। अपने कार्यकाल में भी उन्होंने रांची वासियों को फ्लाईओवर, वंदे भारत जैसे कई सौगात दिए। फिलहाल दोनों ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, साथ ही जनसभा को भी लगातार संबोधित कर रहे हैं और दोनों ही अपनी पार्टियों का चुनाव प्रचार भी जोर शोर से कर रहे हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी कई छोटी बड़ी पार्टियां हैं जिनके उम्मीदवार 2024 के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। अगर हम बात रांची सीट के पॉलिटिकल हिस्ट्री की करें तो आजादी के बाद कांग्रेस ने यहां 8 बार जीत का परचम लहराया, तो वहीं बीजेपी ने 6 बार सफलता हासिल की और अन्य पार्टियों ने 3 बार जीत दर्ज की। अगर हम झारखंड गठन के बाद बीते 24 सालों में सभी पार्टियों के कार्यकाल को देखें तो 2004 और 2009 में कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय लगातार विजयी हुए, तो 2014 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे राम टहल चौधरी और 2019 में बीजेपी से संजय सेठ ने विजय प्राप्त की। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि रांची लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर है और झारखंड के अस्तित्व में आने के बाद से दोनों ही पार्टियों के जीत का रेशियो 50-50 रहा है। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर 2024 में कौन बाजी मारता है और जीत किसकी होती है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही हमें कमेंट्स में ये बताएं कि आपका रांची के सियासी गणित और उनके उम्मीदवारों के दावेदारी पर क्या विचार है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें समाचार प्लस झारखंड बिहार। धन्यवाद।